हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम बॉबी कुमार। आई विल टॉक टुडे मैनिफोल्ड्स। ओके, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन मैनिफोल्ड। ओके, सो वी विल डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन एंड द रिलेटेड एग्जांपल्स ऑफ द मैनिफोल्ड्स। ओके, सो वी विल टॉक ओनली द बेसिस ऑफ द मैनिफोल्ड। ओके, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मैनिफोल्ड? ओके, सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट इज द टुडे लेक्चर we will discuss only definition and its example. What are the examples of the manifold? Okay, so let us start. First of all, we will discuss definition of the manifold. Okay, so what is the definition of the manifold? Manifold, ठीक है, तो definition जो मेरी है, ठीक है, definition, what is the definition? तो definition ये कहती है कि कोई भी सब स्पेस है मेरे पास, ठीक है, सब स्पेस का मतलब, सॉरी, सब स्पेस में कुछ टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। तो मैनिफोल्ड की बात करते हैं, टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं? टोपोलॉजी में बात कर रहे हैं। मैनिफोल्ड इन टोपोलॉजी में बात करने जा रहे हैं हम लोग कि मैनिफोल्ड क्या होता है टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब है कि टोपोलॉजी का मतलब है यहाँ पे कि जो उसके ऊपर जो डिफाइन किया गया टोपोलॉजी, वो कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है। तो देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या कहती है यहाँ पे, डेफिनेशन ये कहती है ए हाउस्ड ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एम इज सेड टू बी, ठीक है, कोई भी हाउस्ड ऑफ, देखो मीनिंग आया है बड़ा है, हाउस्ड ऑफ, पहले समझ लो कि कोई भी हाउस्ड ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है मेरे पास, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मैनिफोल्ड कहलाएगा ऑफ डायमेंशन एन, ठीक है ऑफ डायमेंशन एन का, एन डायमेंशन का मैनिफोल्ड कहलाएगा, ठीक है, या टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड कहलाएगा। इफ एंड ऑल इफ, ठीक है, इफ एंड ऑल इफ नहीं मैं बात करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा मैनिफोल्ड कहलाएगा अगर उसमें कोई पॉइंट ले लूं मैं, ठीक है, उसके लिए क्या कह लूं, सपोज देयर इज एनी पॉइंट पी, ठीक है, देयर इज एनी पॉइंट पी, ठीक है, अब उस पी पॉइंट के लिए कोई ओपन सेट मिल जाए मुझे, ठीक है, इस ओपन सेट के लिए, ठीक है, अब इस ओपन सेट को मुझे करना क्या है कि इस ओपन सेट को मुझे कहां पे, आर एन पे, और इस ओपन सेट के लिए मुझे एक पहले आर एन पे मुझे डिफाइन करना है, ठीक है, आर एन टू कहां जाना, मतलब इस पे, इस ए कोई एम है मेरे पास, ठीक है, अब इसके इससे मुझे आर एन पे कोई होमोमॉर्फिज्म मिल जाए, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म मतलब अभी बताऊंगा होमोमॉर्फिज्म क्या होती है ना, तो और ये बताएं हर्स्ड ऑफ क्या होता है, ठीक है, अल्लाह यू नो, ठीक है, तभी मैं बता दूंगा कि हर्स्ड ऑफ क्या होता है और आपका होमोमॉर्फिक क्या होता है, अभी थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। अगर तो ये वाला कि मेरे पास सब स्पेस है, ठीक है, तो ये मेरे पास है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये कोई मेरे पास यू सबसेट है मेरे पास, अगर इसकी इसकी मुझे कोई होमोमॉर्फिज्म मिल जाए, ठीक है, सच में इस प्रकार कि ओके ये कोई फाई हुआ है मेरा, ये कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है, ठीक है, ये कहा है मेरा आर एन पे, ठीक है, इस तरीके से मुझे होमोमॉर्फिज्म मिल जाए, ठीक है, सच में जिसके लिए क्या हो जाए ओपन सेट कहां पे मैप कर जाए, फाई पे, और ये किसमें, आर एन में, तो मैं बोलूंगा क्या हो जाए मेरा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एम, तो क्या हो जाएगा मेरा M is said to be manifold, ठीक है, अब देख लेते हैं, ए हाउस्ड ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस M is said to be n dimensional manifold, ठीक है, टोपोलॉजिकल मैनिफोल्ड, इफ फॉर ईच ऑफ पी पॉइंट पी बिलोंग्स टू M, ठीक है, पी बिलोंग्स टू M, देयर इज, मतलब कोई उसमें पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, देयर इज एन ओपन सबसेट U, उसके P के अराउंड मुझे क्या मिल जाए, ओपन सेट मिल जाए, ओके, उस ओपन सेट मिल जाए विच इज होमोमॉर्फिक टू, वो ओपन सेट इसके विच इज होमोमॉर्फिक टू एन ओपन सबसेट ऑफ R, ठीक है, वो जो ओपन सबसेट है, पहले मैंने कोई पी पॉइंट लिया, सपोज करो एम मेरा कोई क्या है मैनिफोल्ड है, इट मींस क्या होगा कि उसमें कोई मुझे पॉइंट लेना है, उस पॉइंट के लिए अब मुझे एम को क्या लिखाना है, मुझे मैनिफोल्ड बताना है कि मैनिफोल्ड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसमें कोई एक पॉइंट ले लूंगा, पॉइंट के अराउंड मुझे ओपन सेट मिलेगा, उस ओपन सेट को मुझे क्या दिखाना, विच इज होमोमॉर्फिक टू ओपन सबसेट ऑफ आर एन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, तो मेरा फाइल जो एम मेरा क्या कहलाएगा, एम इज सेट टू बी मैनिफोल्ड कहलाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मेरे पास कोई M मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई पॉइंट ले लूं मैं, पॉइंट ले लिया मैंने, उसके अराउंड कोई ओपन सेट मिल जाए, ठीक है, अगर उस ओपन सेट, वो ओपन सेट मेरा, ठीक है, किसी ओपन सबसेट आर एन को ओपन सबसेट के होमोमॉर्फिक हो जाए, ठीक है, वो सबसेट जो ओपन सबसेट है मेरा, वो ओपन सबसेट फाई किसी आर एन के किसी ओपन सबसेट के क्या हो जाए, होमोमॉर्फिक हो जाए, तो मैं कहूंगा एम मेरा क्या हो जाएगा, एम इज सेट टू बी मैनिफोल्ड, आर यू अंडरस्टैंड, ओके, ये है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है,
इन हाल्ट ऑफ टॉपोलॉजिकल स्पेस एम इज सेड टू बी एन डायमेंशनल टॉपोलॉजिकल मैनिफोल्ड इफ फॉर ईच पॉइंट पी बिलोंग्स टू एम देयर इज एन ओपन सबसेट यू ऑफ एम विच इज होमोमॉर्फिक टू एन ओपन सबसेट ऑफ आर एम। ओके, ये यहां से क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है, तो मेरा क्या है, मैंने यहाँ पे कोई ये के लिए मेरे पास एम कोई, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, एम कोई मेरे पास एम कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है, हॉस्ड ऑफ स्पेस है, कहता है हॉस्ड ऑफ स्पेस है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई मेरा क्या है यहाँ पे ओपन सबसेट, इसमें कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के अराउंड मुझे कोई ओपन सबसेट मिल जाए, और वो ओपन सबसेट कर लो, ठीक है, वो ओपन सबसेट या ओपन सेट क्या हो जाए, होमोमॉर्फिक हो जाए किसके, आर एन में किसी ओपन सबसेट के, तो मैं बोलूंगा एम मेरा क्या हो जाएगा, एम ए सेट टू बी मैनिफोल्ड। ओके, नाउ तो ये ही मेरी डेफिनेशन ऑफ द मैनिफोल्ड। अब इसमें जो वर्ड आया टॉपोलॉजी हॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, हॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी सेट, कोई भी स्पेस है मेरा हॉस्ट ऑफ कहलाएगा, और उसमें कोई पॉइंट ले लूं मैं, सपोज करो x1 x2, ठीक है, कोई मैं ये x में कहूंगा हॉस्ट ऑफ है, इफ आई नो लीव इनके अराउंड मुझे क्या मिल जाए एनवीडी, इनके एनवीडी मिल जाए u1 and u2 एनवीडी ऑफ x1 x2, और इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए नॉन एम्प्टी हो जाए, मतलब इनके इंटरसेक्शन में ये हो जाए, मतलब नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी हो जाए, ठीक है, सॉरी मतलब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा ये मेरा क्या होगा हॉल्ड ऑफ स्पेस हो जाएगा एक्स मेरा, ठीक है, डिस्जॉइंट एनवीडी मिल जाए, ठीक है, डिस्जॉइंट एनवीडी मिल जाए तो मैं क्या कहूंगा वो मेरा स्पेस कैसा हो जाएगा हॉल्ड ऑफ स्पेस हो जाएगा। ठीक है, एक बार आया आपका मेरा यहाँ पे होमोमॉर्फिक, ठीक है, अब होमोमॉर्फिक की बात कर लें, ठीक है, ये वाला डायग्राम जो आपको बनाना होगा, ठीक है, डायग्राम आपको जैसे सपोज करो कोई पी पॉइंट लिया मैंने, इसके अराउंड कोई यू ओपन सबसेट लिया, ठीक है, फिर मुझे इस ओपन सेट को होमोमॉर्फिक मिल जाए मुझे वो कहां पे आर एन में, ठीक है, ये मुझे क्या मिली होमोमॉर्फिक, तो ये क्या मेरा फाइव, ठीक है, यहाँ पे क्या फाइव मुझे क्या मिली है होमोमॉर्फिक में, ठीक है, कोई ये क्या मेरा आर एन पे, ठीक है, तो ये डायग्राम बना लेना, इसी कहां पर कहां जा रहा है ये इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, होमोमॉर्फिक मेरे फाइव है, ठीक है, अब है क्या ये वाली डेफिनेशन क्लियर है, अब पास करते हैं, बड़ा आया था मेरा हॉस्ट ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है, अब है तो होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक का मतलब होता है कोई सपोज करो मेरे पास कोई एक्स कॉमा वाई कोई सबसेट है मेरे पास, ठीक है, टॉपोलॉजिकल स्पेस है, सॉरी टॉपोलॉजिकल स्पेस है, हम टॉपोलॉजी में बात कर रहे हैं और टॉपोलॉजिकल, ठीक है, टॉपोलॉजी है और कोई फंक्शन है मेरा सच दैट एफ एक्स टू वाई, एफ कैसा मेरा ये बाइजेक्टिव है, ठीक है, वन वन ऑन टू और एंड कंटिन्यूस है, वन वन है ऑन टू एंड कंटिन्यूस है, अगर एफ इनवर्स भी क्या हो जाए मेरा बाई टू एक्स यही तो होगा, ये भी क्या हो जाए कंटिन्यूस हो जाए मेरा, तो मैं क्या कहूंगा जो एफ मेरी क्या फिर एफ मेरा हो जाएगा होमोमॉर्फिक, एफ मेरा क्या कहलाएगा होमोमॉर्फिक, ओके, ये है, समझ में आया, क्लियर, तो मतलब होमोमॉर्फिक का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है उनको फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स टू वाई और वो फंक्शन मेरा बाइजेक्टिव है, मतलब बाइजेक्टिव है, वन वन टू है और क्या हो जाए कंटिन्यूस है, और उसका इनवर्स फंक्शन भी क्या हो जाए कंटिन्यूस हो जाए, तो मैं बोलूंगा फंक्शन मेरा कैसा है वो होमोमॉर्फिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा होमोमॉर्फिक कहलाएगा, ठीक है, अब बात करते थोड़ा आगे इसमें ये ओपन सेट कहां पे यहां पे, ठीक है, अब देखो ये वाला ओपन सेट है मेरे पास, ठीक है, अब एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन है इफ एन ओपन सबसेट यू ऑफ एम इज होमोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक टू ओपन सबसेट ऑफ आर फाइव, ठीक है, ये मैंने दिखाया यहाँ पे कोई ओपन सबसेट है मेरे पास, ठीक है, वो होमोमॉर्फिक है फाइव के, और वो फाइव किसमें ओपन सबसेट है आर एम का, ठीक है, तो अंडर द होमोमॉर्फिक फाइव यू इज होमोमॉर्फिक टू फाइव अंडर द होमोमॉर्फिक फाइव, ठीक है, देन यू कॉमा फाइव देन द पेयर यू कॉमा फाइव देन द पेयर जो होगा मेरा यू कॉमा फाइव का तो यू इज होमोमॉर्फिक टू फाइव अंडर द होमोमॉर्फिक फाइव तो यू कॉमा फाइव सेट टू बी चार्ट, ये क्या कहलाएगा मेरा इज ए चार्ट,
ये क्या है मेरा चार्ट है, एक चार्ट हो गया इसके लिए, ये जो एमयू मेरा सेट है स्पेस है उसके लिए क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा चार्ट हो जाएगा ठीक है। यू कॉमा कलेक्शन ये वन चार्ट है, एक चार्ट है ठीक है। देन द पेयर यू कॉमा फाइव इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा मेरा चार्ट ऑन एम, एम पे क्या कहलाएगा मेरा एक चार्ट कहलाएगा ठीक है। अब इट मीन्स अब देखो आगे क्या कहता है कि अब देखो मैंने क्या लिया, यू मेरा ओपन सबसेट है ठीक है। इट मीन्स अब मैं जो एम है मेरा ये वाला ठीक है, इस एम से अब जो ओपन सबसेट है इस तरीके का कई सारे ओपन सेट मिल जाएंगे। इट मीन्स यू अल्फा, इट मीन्स देखो यहां से सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स ऐसे कई सारे यू मिल जाएंगे मुझे, देयर आर मेनी यूज यूजेस है, वो क्या करेंगे कवर कर लेंगे हमको। इट मीन्स यू अल्फा इज ए कवरिंग ओपन कवरिंग ऑफ ए, क्योंकि ओपन है ना, ओपन सबसेट ले रहा हूं ठीक है। इट मीन्स इट इज एन ओपन कवरिंग ऑफ एम, इस टाइप के मुझे ओपन सबसेट मिल जाएंगे ठीक है। ओपन सबसेट वो इस तरीके यू अल्फा इस तरीके ओपन सबसेट मिल जाएंगे, वो क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे हमको कवर कर लेंगे। इट मीन यू अल्फा क्या हो जाएगा मेरे ओपन, यू अल्फा दैट इज ए ओपन कवर फॉर ऑफ एम ठीक है। नाउ बात करते हैं अब हम नेक्स्ट, इट मीन्स एम इज एम इज देखो ये लिखा है मैंने, इट मीन्स एम इज कवर्ड बाई यू अल्फा ठीक है। अब देखो जो अंडर फाइव फॉर इच अल्फा बिलोंग्स टू देयर इज एन होमोमॉर्फिक, देयर इज एन होमोमॉर्फिक ठीक है, फाइव यू अल्फा टू फाइव अल्फा यू अल्फा ठीक है। फाइव कहां से डिफाइन है, यू अल्फा टू फाइव अल्फा यू अल्फा ठीक है। ये फाइव कैसे डिफाइन है, कोई फाइव अल्फा ले लिया मैंने, मतलब यू अल्फाज ले लिया मैंने, अब यहाँ पे मैंने जनरल ले लिया यू ठीक है। अब मैंने फाइव अल्फाज ले लिए, मतलब कई सारी होमोमॉर्फिक्स में यू वन यू टू यू टू थ्री के लिए ठीक है। डॉट डॉट डॉट, अब सिमिलरली उस तरीके से अब फाइव अल्फा मैंने कई सारी होमोमॉर्फिक्स ले ली ठीक है, यू अल्फाज, और इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा मेरा ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको डिफाइन करूंगा नहीं करूंगा, ये इसी तरीके से डिफाइन होगा। इसको कैसे डिफाइन करूंगा, यू टू फाइव ऑफ यू गोज टू ये तो होगा मेरा ओके। इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा। अब मैंने क्या ले लिया ओपन कवरिंग, मतलब एम क्या होता है, एम के लिए मुझे ओपन कवरिंग मिल जाएगी, ओपन कवरिंग मिल जाएगी, इस तरीके से ओपन सबसेट मिल जाएंगे। ओपन सबसेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस पर होमोमॉर्फिक होंगे इसके लिए ठीक है। इसके लिए होमोमॉर्फिक मिल जाएगी, होमोमॉर्फिक मिल जाएगी मुझे, होमोमॉर्फिक मिल जाएगी। इट मीन्स एम मेरा क्या हो जाएगा, मैनिफोल्ड हो जाएगा ठीक है। इसी तरह डेफिनेशन, इट मीन्स इसके लिए उनका यूनियन जो होगा, यूज का जो यू है मेरे यू अल्फाज हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका यूनियन क्या किसको जनरेट कर देगा, टोटल एम को जनरेट कर देगा ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की, अगर आपको लगता है कोई डाउट है ठीक है तो प्लीज कमेंट कमेंट कर दीजिएगा ठीक है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, तो एक नोट ठीक है। अभी मैंने बताया था एक चार्ट, और सपोज करो मेरे पास कोई ठीक है, ये कोई एम है मेरे पास, और ये क्या मेरा पी पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग मुझे यू अल्फा मिल गया यू है ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा मेरा फाइव ऑफ यू पे फाइव, वो किसी ओपन सेट पे मैप हो रहा है ठीक है। ये क्या मेरा होम ओवन फाइव है, ये कहाँ है आर एन पे ठीक है। तो मैंने बताया था कि यू कॉमा फाइव इज चार्ट ऑन एम, एम पे चार्ट होगा मेरा ठीक है, यही मिला था मैंने इससे पहले। तो यू कॉमा फाइव मेरा क्या हो जाएगा चार्ट, इट मीन्स सिमिलरली अब यू अल्फाज मिल गए और फाइव अल्फाज होमोमॉर्फिक्स मिल गई मुझे। इट मीन्स ये भी क्या होगा चार्ट होगा ना, बहुत से चार्ट होगा इसके लिए एम के लिए, एम के लिए क्या होगा चार्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ये कलेक्शन जो होगा, अब वन जो है वन है वन है, तब तो मैं उसे क्या बोलूंगा चार्ट है ठीक है। अब बहुत सारे चार्ट है मेरे पास, देयर आर मेनी चार्ट्स ठीक है, फॉर ऑन एम देयर आर मेनी चार्ट्स ऑन एम, सो देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल चार्ट, देयरफॉर द कलेक्शन ऑफ ऑल चार्ट इज कॉल्ड एन एटलस, कहलाएगा ना एटलस कहलाएगा ठीक है। ये मैंने करा दिया तक ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया यू अल्फाज और फाइव अल्फाज इज एन एटलस, ये कलेक्शन हो गया मेरा। तो ये क्या मैं इसके लिए एम के लिए
यू अल्फाज क्या होगा इसके लिए ओपन कवरिंग होगी सारी, ठीक ओपन सब सेंटेंस के लिए वो क्या कर रहा है एम को कवर कर रही है ओपन कवरिंग, इसमें यू अल्फा फ्रॉम फाइव अल्फा आर क्या होगा कलेक्शन हो गया ऑल चार्ट का, देयरफॉर इज कॉल्ड अभी चार्ट नहीं है, अभी चार्ट नहीं है, अब क्या कहलाएगा मेरा यहाँ पे अभी चार्ट ये कहलाएगा मेरा, अभी ये मेरा क्या कहलाएगा एटलस कहलाएगा। ओके दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एटलस, चार्ट क्या है समझ में आया, एटलस क्या है समझ में आया, डेफिनेशन क्लियर हुई। बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। ओके